मैं पंकज और इन खबर में आपका स्वागत है। इस खबर में हम बात करने जा रहे हैं भारत के स्टार बल्लेबाजों में से एक श्रेयस अय्यर की। जी हाँ, श्रेयस अय्यर बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। बीसीसीआई इन पर बहुत बड़ा एक्शन भी ले सकती है। आप सोच रहे होंगे कि श्रेयस अय्यर ने आखिर ऐसा किया क्या है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। अय्यर ने हाल ही में अपने आप को अनफिट बताकर रणजी ट्रॉफी से अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी की रिपोर्ट से यह जाहिर हुआ है कि श्रेयस अय्यर एकदम फिट है। हम आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल की शुरुआत 23 फरवरी से होनी है। क्वार्टर फाइनल में मुंबई का सामना बड़ौदा से होगा। इस बड़े मैच के लिए टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी मुंबई की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने पीठ में चोट का नाम लेकर क्वार्टर फाइनल मुकाबले से अपना नाम वापस ले लिया है। लेकिन नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने बीसीसीआई को मेल कर यह जानकारी दी है कि अय्यर को कोई चोट नहीं है, वह पूरी तरह फिट है। ऐसे में सवाल यह है कि अय्यर चोट का बहाना क्यों बना रहे हैं, रणजी ट्रॉफी से दूर अपने आप को क्यों रख रहे हैं वो। अय्यर को रणजी ट्रॉफी में भाग लेने की सलाह देने का फैसला बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने किया था ताकि उनकी पीठ लंबे समय तक बल्लेबाजी और फील्डिंग की शारीरिक मांगों के आदि हो जाए, लेकिन श्रेयस अय्यर ने खुद को पूरी तरह से फिट नहीं बताया और क्वार्टर फाइनल मैच से अपना नाम वापस ले लिया है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड घरेलू क्रिकेट को लेकर एक्शन मोड में है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने साफ तौर पर खिलाड़ियों को यह हिदायत दी है कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी में खेलना अनिवार्य है। इसको लेकर बोर्ड अय्यर पर कड़े रूप से कार्रवाई भी कर सकता है। आखिर बोर्ड अय्यर पर क्या कार्रवाई करेगा, यह तो देखने वाली बात है। क्या अय्यर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड काफ़ी कड़े रूप में भी है। इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।